सभी साथियों को फिटर फाइटर चैनल की तरफ से नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्त, जैसा आपको मालूम है कि NCL का एग्जाम का पेपर जो है हो चुका है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो UPRVNL का जो पेपर होगा या बोरिंग टेक्नीशियन का जो पेपर होगा, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं। और हम जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे वो मैं अपलोड करूँगा, तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कीजिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो रहेगा क्रमानुसार रहेगा, आज एक तारीख है, नौ वर्ष है, आज से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन बताना। और जब तक UPRVNL का पेपर होगा तब तक हम आपको बताते रहेंगे और आप जरूर सफल होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें कि थोड़ी सी लापरवाही किसका कारण बन सकती है। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में रहेगा थोड़ी सी लापरवाही। तो इसमें जो हमारा आज के क्वेश्चन रहेंगे वो पहले चैप्टर के हैं। तो इसमें थोड़ी सी लापरवाही से किसका कारण बन सकती है, तो इसमें पहला ऑप्शन में पढ़ता हूँ, कोई अंग नहीं गंवा सकते हैं। तो दोस्त, इसमें नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। अंग हम इससे नहीं गंवा सकते, नहीं नहीं होना चाहिए इसमें, इसमें होना चाहिए अंग गंवा सकते, तो यही आंसर हो जाता है, कोई अंग गंवा सकते हैं। तो इसका जो है बी आंसर अभी देख लेता हूँ, बी आंसर वैसे सही होना चाहिए। इसका सी आंसर देखो, शरीर का कोई अंग गंवा सकते हैं, तो इसमें तीसरा आंसर भी हो रहा है। चौथा आंसर, जीवन से हाथ नहीं धो सकते, तो ये नहीं वाला, जीवन से हाथ हम धो सकते हैं क्योंकि नहीं का ध्यान रखना इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें देखिए सेकंड और थर्ड आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। तो सेकंड में देखिए कोई अंग गंवा सकते हैं, थर्ड में लिखा कोई शरीर का कोई अंग गंवा सकते हैं, तो इसका जो है थर्ड आंसर बेटर आंसर होगा क्योंकि थोड़े से भी आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो हम शरीर का कोई अंग गंवा सकते हैं, इसका थर्ड आंसर जो है राइट आंसर होगा, कोई अंग गंवा सकते हैं। तो ये आंसर तो सही है लेकिन बेटर आंसर थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना का कारण नहीं। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कारण दुर्घटना का नहीं है, यानी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका नहीं वाला हमें देखना है, नहीं वाला देखना अर्थात हाँ वाले जितने आंसर होंगे उनको हम हटाते जाएंगे जिससे दुर्घटना हो जाएगी। अज्ञानता, इससे दुर्घटना हो जाएगी। उत्सुकता, इससे दुर्घटना हो जाएगी। हमें नहीं वाला देखना है तो ना तो हमारा फर्स्ट होगा ना सेकेंड होगा थर्ड। ओवर कॉन्फिडेंस से भी दुर्घटना हो जाएगी, तो अब हमारा बचा फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा, यानी कि इससे दुर्घटना नहीं होगी क्योंकि जब तीन से हो रही है तो चौथे से नहीं होगी। अब क्या है इसका मतलब बता देता हूँ, गेन ऑफ इंटरेस्ट। गेन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप उस कार्य को बहुत ही मन लगाकर कर रहे हो, जब मन लगाकर करोगे दुर्घटना ही होगी, नहीं होगी, अर्थात इसका फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो उसको तो सुरक्षा जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली सुरक्षा होती है सेल्फ सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। दूसरी होती है जनरल सुरक्षा, जनरल मतलब फैक्ट्री के जितने भी रूल होते हैं। और तीसरे नंबर होती है टूल की सुरक्षा, टूल या मशीन की सुरक्षा होती है। तो तीन होती है सुरक्षा, कितने प्रकार की होती है दोस्त, तीन प्रकार की होती है, अपनी सुरक्षा, जनरल सुरक्षा और टूल या मशीन की सुरक्षा। तो तीन प्रकार के साथ तीन आंसर हो जाए। कृत्रिम श्वास की क्रिया एक मिनट में कितनी बार करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति सांस लेने में परेशान होता है तो हम कृत्रिम श्वास कहते हैं। कृत्रिम श्वास देने की अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, जो अगला क्वेश्चन में बताऊंगा उसमें आएगा किस तरीके से कृत्रिम श्वास दी जाती है, तो ये एक मिनट में कितनी बार करना चाहिए। वैसे दोस्तों नॉर्मली हमारी सांस जो आती है वो 70 से 72 बार आती है एक मिनट में, लेकिन ये होती है नॉर्मली। लेकिन जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसके लिए अगर हम 10 से 12 बार भी सांस दें तो 10 से 12 बार में भी वो अपनी सांस को ले करके जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर होगा, एक मिनट में कृत्रिम श्वास तो दी जाती है वो 10 से 12 बार दी जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है डी आंसर हो जाएगा। चित्र में देखकर कृत्रिम श्वास की विधि का नाम बताना है। दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, चित्र को मैं समझा देता हूँ कि इस तरीके से चित्र को किया जा रहा है। देखिए इसमें एक आदमी लेटा हुआ है, ये व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है जिसको मैंने सर्किल बनाया है। इसके पीछे पीठ की तरफ एक सिर की तरफ सॉरी एक व्यक्ति बैठा हुआ है सिर की तरफ, ये व्यक्ति उसके हाथों को पीछे टच करा रहा है। तो जब ये पहले चित्र में नंबर एक चित्र में जब उसको हाथों को पीछे टच कराएगा तो इसका जो है नीचे एक तकिया लगा हुआ है, तकिया तो इसके पीठ के नीचे, तो इसमें जब ये हाथों को पीछे टच कराएगा तो इसका जो है हवा जो है नाक के द्वारा इसके अंदर पहुँच जाएगी, जो इसके लंग्स रहता है लंग्स में अंदर हवा पहुंच जाएगी। और जब ये हाथों को देखिए दूसरे चित्र में देख लीजिए, ये चित्र में जो है ये हाथों को पीछे से उठाकर आगे उसके चेस्ट पर लगा रहा, जब चेस्ट पर लगाएगा तो इसकी हवा बाहर निकल जाएगी। और यही काम जो मैंने अभी बताया था यही काम 10 से 12 बार करना है, पहले हाथों को पीछे टच कराना है सिर के पास तो ये
हवा अंदर आएगी और जब ये हाथों को हम इसके चेस्ट पर टच कराएंगे दबाएंगे तो हवा बाहर जाएगी, तो ये क्रिया 10 से 12 बार करेंगी, इसी हम कृत्रिम श्वास की विधि कहते हैं। लेकिन इस विधि का नाम क्या होता है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन होंगे। इसके ऑप्शन देखिए ये लिखे हुए हैं, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, दोनों कोई नहीं। तो दोस्त ये जो हमारी विधि होगी ये सिल्वेस्टर विधि होगी, तो इसका सेकेंड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक सेफर विधि भी क्या होती है, सेफर विधि में देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ, देखिए इस चित्र में जो हमारा चित्र है इसमें सीधा व्यक्ति को चित्त लिटाया गया है, लेकिन जो हमारी सेफर विधि होगी उस विधि में हमें व्यक्ति को औंधा लिटाना पड़ेगा। तो औंधा लिटा के हम क्या करेंगे, इसको सेफर विधि जो होगी औंधा लिटा करके एक बार उसको हम उसकी पीठ को दबाएंगे, एक बार हम उसको पीठ के नीचे दबाएंगे। तो जब हम पीठ को दबाएंगे तो उसकी हवा बाहर जाएगी और जब पीठ के नीचे हम दबाएंगे तो उसकी हवा अंदर आएगी। तो इस तरीके से औंधा लिटाकर जो की जाती है उसमें सेफर विधि की जाती है, और चित्त सीधा लिटाकर जो की जाती है सिल्वेस्टर विधि की जाती है। तो हमारे जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर सिल्वेस्टर विधि आंसर हो जाएगा। इसके बाद जापान में बनाए गए 5S, जो जापान में 5S बनाया गया था, ये 5S में 5S होते हैं, 5S का मतलब होता है इसमें 5S आते हैं, S S S S। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसका सभी का S का अलग अलग मतलब होता है। पहले S का मतलब होता है सेटेन ऑर्डर, दूसरे पहले सॉरी पहले S का मतलब होता है शॉर्ट, दूसरे S का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, जो लिखा हुआ है मैंने लाइन से ही ऑप्शन लिखे हैं। पहले S का मतलब है शॉर्ट, दूसरे S का मतलब है सेट इन ऑर्डर, तीसरे S का मतलब है साइन जो लिखा हुआ है, चौथे S का मतलब है स्टैंडर्डाइज, और पांचवें S का मतलब है सस्टेन। जो मैंने ऑप्शन बनाए हैं वो इसी पांचों S के हिसाब से बनाए हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें फोर्थ S का मतलब बताना था, तो फोर्थ S का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, लेकिन जो एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख रखा है, शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो फोर्थ S का मतलब पूछा गया, तो फोर्थ S का मतलब जो है स्टैंडर्डाइज आंसर हो जाएगा। पिछले बार के UPRVNL में जो आया था वो थर्ड S का मतलब पूछा गया था, तो थर्ड S का मतलब होता है साइन या स्वच्छता। तो इसका आंसर जो है फोर्थ आंसर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आग को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो दोस्तों हमारी आग होती है वो चार वर्ग में होती है, ए बी सी डी, तो इसका चार आंसर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वर्ग ए में लगी आग होती है, यानी कि देयर इज अ फायर इन क्लास ए, यानी ए ग्रेड की फायर किसे कहते हैं। तो दोस्त जो हमारी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, मैं चारों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो आग लगाई गई थी पाषाण काल में, जो मनुष्यों ने आग लगाई थी पत्थर के द्वारा, वो लकड़ी में आग लगाई थी, तो सबसे पहले एक ही आग हुआ करती थी, वो होती थी लकड़ी वाली आग। तो लकड़ी वाली आग जो आती है वो ए में आती है, क्योंकि सबसे पहले ए ग्रेड बनता है और लकड़ी वाली आग सबसे पहले बनती है। तो जो आग पहले बनी थी उसको लकड़ी वाली बनी थी, तो उसको हमने कौन सा कोडवर्ड दे दिया, ए दे दिया। जैसे जैसे आगे बनती चली गई हम उसमें जानकारी हासिल करते गए तो ग्रेड बढ़ाते गए। तो जो बी वाला होता है इसे ऑयल वाला होता है, तरल पदार्थ वाली होती है, सी वाली जो होती है गैस वाली होती है, और जो डी वाली होती है वो करंट वाली आग होती है। तो इस प्रकार से हम कोडवर्ड से कैसे याद रखेंगे, देखो मैं इसके एक ट्रिक बता देता हूँ। ए वाली आग तो जब सबसे पहले बनी जो लकड़ी की हो गई, अब बी से होता है जो ऑयल होता है वो बॉयल करता है, तो इसे बी से ऑयल, ऑयल ऑयल से बॉयल, तो आप बी याद रखेंगे। गैस, गैस जब निकलती है तो सी की आवाज़ करती है, जब भी कोई गैस निकलती है सिलेंडर तो सी की आवाज़ करती है, तो सी याद रखेंगे। और करंट जो होता है वो डीसी, डी से याद करेंगे, क्योंकि ये करंट हमारा डीसी करंट होता है। तो दोस्त कोड वर्ड जो मैंने ट्रिक्स बताई है तो उस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। जैसे करंट होता है डीसी करंट, तो डी आसान हो जाए, गैस में सी की आवाज़ आएगी तो सी हो जाएगा, ऑयल बॉयल करता है तो बी आंसर हो जाएगा, और जो सबसे पहले लकड़ी वाली आग बनी थी वही हो जाएगा। तो हमें किसे बताना है, ए का बताना है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कागज, लकड़ी, पत्थर, सॉरी कागज, लकड़ी और जो होता है हमारा पत्तल बोलना चाहिए, पत्तल माना होता पत्ते, जिसको मैंने पत्ते बोलना चाहिए था, कागज, लकड़ी, पत्ते में जो आग लगती है उसे ए ग्रेड, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग बी में लगी आग होती है, यानी वर्ग बी में कौन सी, तो अभी मैंने बताया था बी, बी से बॉयल, बॉयल ऑयल, तो ऑयल से आप बॉयल को याद रखेंगे। तो इसमें देखिए तरल पदार्थ, तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑयल से बॉयल, और बॉयल का ग्रेड होता है बी, बी से बॉयल आ रहा, वैसे बॉयल की स्पेलिंग अलग होती है लेकिन आप बी बॉयल में बा का उच्चारण आ रहा, तो ऑयल से बॉयल और बॉयल का बी, बी याद रखेंगे, तो ये तरल पदार्थ की होती है। इसके बाद वर्ग सी में लगी आपको क्या कहते हैं, तो सी, सी से जब सी की आवाज़ आती है, देखिए तो कोई गैस लीक करती है तभी सी की आवाज़ करती है, तो इसका गैस आंसर राइट आंसर, थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब हमारा एक आपके लिए सुझाव है कि जो भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिटर के, तो फिटर के क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो आप एक छोटी सी 10 रुपये की कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाइए। उन शॉर्ट नोट्स में आप जो क्वेश्चन बार बार भूलते हैं, बार बार गलती करते हैं, उन क्वेश्चनों को बढ़िया अच्छे से साफ स्वच्छ तरीके से नोट कीजिए। ये आपको ज़रूर ज़रूर एग्जाम में काम आएगा। तो
ये मेरा आपके लिए सुझाव है कि जो क्वेश्चन हम बार बार गलती से भूलते हैं उनको ट्रिक्स बना करके या कोई अपने तरीके से उसको नोट कीजिए और बार बार उस छोटी वाली किताब को कॉपी को पढ़िए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट 11th वर्ग डी में लगी आपको क्या कहते हैं। तो अभी अभी मैंने डी से बताया है कि डी से होता है डीसी करंट। सबसे पहले कौन सा करंट बना था, डीसी करंट बना था। तो करंट में जो लगी आपको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो ये देख लीजिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है, यानी हमारी जो आग है वो इलेक्ट्रिक से लगी हुई है, विद्युत से लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फायर आर एस्टिंग्यूज, मतलब हम इलेक्ट्रिक फायर को किससे बुझाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी इलेक्ट्रिकल फायर होती है इसके लिए एक CTC एस्टिंग्यूसर होता है, जैसे CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखिए जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं CCL4। सी से होता है कार्बन और क्लोराइड से होता है CL4, तो इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसके डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ये CTC एस्टिंग्यूसर विद्युत की आग को बुझाता है। गैस से लगी आग को निम्न में किससे बुझाते हैं। तो दोस्त गैस से लगी आग होती है जो किसी गैस से लगती है, सिगरेट की फायर जो होती है, तो इसमें हम किससे बुझाना चाहिए। तो इसमें CTC तो इलेक्ट्रिक वाला था, पानी से हम सोडा एसिड, ये तीनों। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर में पाउडर भरा होता है, इससे क्या होता है जब हम ड्राई पाउडर को चला देते हैं तो हमारी जो गैस होती है उस गैस का जो पाउडर रहता है उस गैस की डेंसिटी को कम कर देता है, मतलब गैस के कणों को दूर दूर कर देता है और उसके बीच में पाउडर के कण आ जाते हैं जो आग को बुझाते हैं। यानी कि ये कहें कि हमारा गैस का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, दूर दूर गैस के कण चले जाते हैं, इसलिए पाउडर को हम उड़ा देते हैं जहाँ पर गैस रहती है। तो यानी कि गैस के बीच बीच में पाउडर के कण आ जाते हैं तो इससे हमारी गैस भी नहीं हो पाती है। तो इसका ड्राई पाउडर राइट आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। CO2 का प्रयोग प्रकार की आग को बुझाने, यानी CO2 फायर जो एक्सटिंग्यूशर होता है उससे किस आग को बुझाया जाता है। दोस्तों CO2 फायर क्लास ए लकड़ी वाली में कभी यूज नहीं करते हैं। इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा बॉयल, बी मतलब ऑयल। ऑयल वाली आग को बुझाने के लिए हम CO2 एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं, ये राइट आंसर होगा। क्लास वी फायर ऑयल वाली आग को CO2 एक्सटिंग्यूशर से बुझाते हैं। फोम एक्सटिंग्यूशर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोम एक्सटिंग्यूशर का उपयोग क्लास बी वाली फायर यानी ऑयल वाली आग पर फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्त ऑयल वाली आग पर कभी भी पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑयल बह जाएगा और हमारी आग फैल जाएगी। इसके लिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। इससे फोम होता है, झाग होता है, जो झाग हमारा ऑयल के ऊपर जम जाता है, तो इससे हमारी ऑयल की आग जो होती है बुझ जाती है और फोम बहता भी नहीं है, आग की जगह ही अपनी जगह पर रुका रहता है, इसलिए आग फैलती भी नहीं है। तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर क्लास बी फायर या ऑयल वाली आग राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर। तो जो सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर होता है इसका प्रयोग क्लास ए वाली फायर के लिए उपयोग करते हैं, जो हमारी लकड़ी और कोयला पत्तड़ पत्ते या कागज वाली जो आग होती है उसमें सोडा एसिड एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग का है। तो दोस्त जो हमारे चार प्रकार के चिन्ह होते हैं सेफ्टी साइन, मैं चारों बना के दिखा देता हूँ। एक पहला साइन इस प्रकार से सर्किल के अंदर होता है, दूसरा ऐसे सर्किल के अंदर ऐसी सिलेंडर लाइन होती है, इसके बाद तीसरा ट्रायंगल में होता है और चौथा जो होता है वो स्क्वायर में होता है। मैं चारों को आपको बता देता हूँ। पहला जो होता है इसे हम आदेशात्मक या मैंडेटरी कहते हैं। आदेशात्मक भी ध्यान रखिए, मैंडेटरी भी ध्यान रखिए। दूसरा होता है निषेधात्मक होता है, इसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो होता है इसे निषेध या प्रोहिबिशन। तीसरे नंबर पर जो ट्रायंगल होता है इसे वार्निंग या चेतावनी कहते हैं। और चौथे नंबर पर जो होता है ये चौथे नंबर पर इसे इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो ये मैच कर रहा है ये दूसरे नंबर वाले से मैच कर रहा है, यानी इसे हम बोलते हैं दूसरे नंबर पे क्या था, ये था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब निषेध चिन्ह। निषेध से हम कैसे सब पकड़ेंगे, क्योंकि जिसमें ये तिरछी डंडी होती है इसे हम बोलते हैं निषेध चिन्ह। जो डंडी रहती इस तरीके से रहती है, मैंने थोड़ा इसमें इस तरीके से बना दी है, ये डंडी इस तरीके से रहेगी, तिरछी डंडी इस तरीके से, जो डंडी हमारी इस तरफ ऊंची रहेगी, लेफ्ट की तरफ ऊंची रहेगी, राइट की तरफ नीचे रहेगी। तो इस डंडी में तिरछी डंडी का मतलब मना कर रहा है, मना कर रहा मतलब हमारा ये होता है प्रोहिबिशन निषेध साइन। तो इस देख लेते हैं, और ये दिखाना चाह रहा है कि जो ऑयल पर आग लगी हुई है तो उसमें बाल्टी से पानी मत डालिए, तो ये निषेध में आएगा। तो देख लेते हैं, देखिए इसमें लिखे हुए हैं चारों, इन्फॉर्मेशन सूचना लिखा हुआ गलत हो जाएगा, वार्निंग गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है स्क्वायर में होता है, वार्निंग जो होता है वार्निंग होता है ट्रायंगल में होता है, और मैंडेटरी जो होता है वो सर्किल में होता है, और जो लास्ट वाला प्रोहिबिशन वो सर्किल बना के इसे सिलेंडर लाइन खींच देते हैं। इसका डी आंसर फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम चिन्ह से समझ सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्रायंगल बना हुआ है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल में बनाया जाता है उसे हम वार्निंग या चेतावनी साइन कहते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिखाया गया। देखिए इसमें लिखे गए हैं और चेतावनी देख, मैंडेटरी प्रोहिबिशन इन्फॉर्मेशन वार्निंग चेतावनी फर्स्ट दिया है, तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम कैसे समझे दोस्त, ये हम ट्रायंगल से समझे, जो ट्रायंगल में बनाया जाता है उसे हम वार्निंग या चेतावनी साइन के नाम से जानते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया यह चित्र किस ग्रेड में? तो अभी अभी मैंने बताया था कि जो किसी सर्किल के अंदर बनाया जाता है इसे आदेश आत्मक या आदेश देना या इसे हम मैंडेटरी कहते हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। इसमें जो दिखाया गया, ये दिखाया गया है कि हम सेफ्टी सूज का इस्तेमाल करें जब हम किसी फैक्ट्री लाइन के अंदर जाएँ या किसी वर्क प्लेस पर जाएँ तो सेफ्टी सूज का उपयोग करना चाहिए। फुट प्रोटेक्शन दिखाया गया है, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है बियर फुट प्रोटेक्शन। फुट मतलब पैर का प्रोटेक्शन है, पैर की सेफ्टी है। तो इसमें देखिए, इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें दिया गया है प्रोहिबिशन, गलत हो जाएगा। प्रोहिबिशन मतलब निषेध होता है, नहीं करना है, जबकि जूते तुम्हें पहनना है। इन्फॉर्मेशन जो हो जाएगा, यह सूचना चिन्ह हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वार्निंग चेतावनी गलत हो जाएगा, तो मैंडेटरी इसका जो है फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र में इस सर्किल में सॉरी एक चित्र की स्क्वायर में जो है बना हुआ है, एक चित्र स्क्वायर देख रहे होंगे, तो मैंने अभी अभी बताया कि स्क्वायर के अंदर जो होता है ये इन्फॉर्मेशन साइन या सूचना चिन्ह बनाया जाता है, चाहे इसमें प्लस प्लस का मतलब यहाँ फर्स्ट एड है। यदि इसमें इस तरीके का हम एरो बना देंगे, इस एरो का मतलब है आप आगे जाइए। इसमें एग्जिट लिख दें, मान लीजिए हम ये कोई किसी सर्कल में एग्जिट लिख दें इसमें सॉरी स्क्वायर में, तो एग्जिट का मतलब होता है यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। पुल पुश जो भी जानकारी हमें मिलती है सब स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन दिखाया गया है, प्रोहिबिशन गलत हो जाएगा, मैंडेटरी गलत हो जाएगा, वार्निंग गलत हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। तो आप चारों समझ गए होंगे, प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, इन्फॉर्मेशन और वार्निंग, चारों का आप हिंदी में याद कीजिए और इंग्लिश में याद कीजिए। दोस्तों हेलोन एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने अलग से बनाया है, जो कहीं कहीं किसी किसी किताब में दिया रहता है। तो दोस्तों जो हेलोन एक्सटिंग्विशर होता है इसे हम CTC एक्सटिंग्विशर ही कहते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर दिया है CTC, लेकिन इसमें जो है दूसरा ऑप्शन दिया गया है ये भी आंसर राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म जो होता है BCF, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोईथेन, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोईथेन, इसका नाम होता है ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोईथेन। ये भी आपको बजाती है, तो इसका जो है फर्स्ट सेकंड दोनों सही होंगे, इसलिए थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। यानी हेलोन एक्सटिंग्विशर के दोनों नाम होते हैं, CTC एक्सटिंग्विशर भी होता है और BCF एक्सटिंग्विशर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति जो है बिजली की करंट से लग गया है और वो नीचे पड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सीधे हाथ से हटाएं, तो दोस्त जब भी कोई बिजली का झटका लगा हुआ है, मान लो वो बिजली से जुड़ा हुआ है, हमें ये मालूम तो है नहीं कि वो हट गया जुड़ा है, तो सीधे हाथ से हमें नहीं हटाना चाहिए, गलत हो जाएगा। व्यक्ति को गीली लकड़ी से ना हटाएं, यानी कि हम उसको हटाना चाह रहे हैं, यानी कि वो हमें पता चल गया है कि जुड़ा हुआ है, तो उसको गीली लकड़ी से ना हटाएं, तो किससे हटाएं? सूखी लकड़ी से हटाएं। तो हमारे सेकंड आंसर अभी तो सही होना चाहिए, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, गीली लकड़ी से ना हटाएं, ना दिया गया है ना हटाएं, मतलब उसे किससे हटाएं? सूखी लकड़ी से हटाएं। तो दोस्त आप जानते हो कि हम जब कोई बिजली से जुड़ा हुआ होता है, तार से टच होता है, तो हमें सूखी लकड़ी से हटाना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट नहीं आता है। तो सेकंड आंसर राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं, व्यक्ति को हटाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाएं, दोस्त गलत आंसर हो जाएगा, कभी भी ठंडी चीज़ नहीं पिलाते, उसको गर्म दूध पिलाना चाहिए। व्यक्ति को हटाकर शराब पिलाएं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, इसलिए इसका सेकंड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा, कि इसको हम गीली लकड़ी से ना हटाएं, यानी उसे सूखी लकड़ी से हटाएं। तो दोस्त आज का वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, लेकिन दोस्त हमारा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सूचना है, मेहनत करो मित्रों, सफलता जरूर मिलेगी। आपको एक में नहीं मिलेगी, दूसरे में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे में मिलेगी, लेकिन लगे रहिए आप और हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिटर फाइटर को, ताकि हम भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाते रहें और अपलोड करते रहें। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।